કેન્દ્રમાં ભાજપ સરકાર અને નવ વર્ષ પૂર્ણ થયા હતા. આ પ્રસંગે 30 મે થી 30 જૂન 2023 સુધી ભાજપ સંગઠન દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું, જેમાં તમામ જિલ્લા મંડળો શક્તિ કેન્દ્ર ઉપર બૂથ આયોજિત કરવામાં આવી રહ્યા હતા તથા વિશેષ જનસંપર્ક અભિયાન લોકસભા ક્ષેત્રોમાં યોજવામાં આવી રહ્યા હતા, જેના ભાગરૂપે 134 દેવગઢ બારિયા વિધાનસભાનું વિશાળ લાભાર્થી સંમેલન દેવગઢ બારિયા શહેરમાં આવેલ સ્વ જયદીપસિંહ જિલ્લા રમત પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર ઉપર યોજાયું હતું. आज दाहोद लोकसभा के अंतर्गत लाभार्थियों का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई जसवंत भाभोड़ जी और हमारे मंत्री यहाँ के भाई भाभोड़ जी और प्रभारी पटेल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और एक बड़ा लाभार्थियों का सम्मेलन जिसमें कई हजार लोग शामिल थे. ये लाभार्थी सम्मेलन पूरे देश में किया जा रहा है, उसी एवज में मैं भी आज यहाँ पर आया हूँ और सभी लोग इतना उत्साहित हैं कि मोदी जी ने अपने 9 साल किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, पट्टी दुकानदारों के लिए, व्यापारियों के लिए बेमिसाल काम किए हैं. इसमें 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज, 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे, 10 करोड़ किसानों को किसान निधि सम्मान और तमाम जो वेंडर जोन में पट्टी दुकानदार हैं उनको बगैर ब्याज का कर्ज. इस तरह से पूरे देश को एक विकसित देश बनाने में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में और नशा मुक्त भारत बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगामी 2047 तक, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, उसको अमृत काल घोषित करने का काम किया है. एक ऐसा देश बनेगा मोदी जी के नेतृत्व में जो दुनिया में सबसे बेहतर देश होगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में दुनिया में नंबर एक होगा, अव्वल होगा. इस तरह का एक पूरी योजना बनाने का काम मोदी जी ने किया है. इसलिए इस बार हमारे देश की जनता मोदी जी के लिए 350 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें बीजेपी को जिताएगी और NDA को 400 से ज़्यादा. आज